और दोस्तों कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं। देखिए कहाँ कहाँ हम वीडियो बनाने के लिए चल देते हैं, नहरा नहरा, खितारी खितारी, पगडंडी पगडंडी, जो है देखो वहीं कहीं भी खड़े होकर बनाने लगते हैं। तो फिर आज बहुत खास चीज़ हम बताने जा रहे हैं, आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नीम की गोली मैंने बनाई है, नीम के पत्ती की गोली बनाई है। इसको ज़रूर खाएँ और खिलाएँ घर परिवार में, जो बहुत फ़ायदा करता है, खून साफ़ करता है, फोड़ा फुंसी को दूर करता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो बाकी चलिए देखिए मैंने कैसे कैसे बनाया। तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में क्या है, यही सब है, तो कुछ न कुछ दिखाते रहते हैं। देखिए गांव देहात की हरियाली कितनी मस्त लग रही है, चूँकि हम जा रहे हैं प्रतापगढ़, तो हमने सोचा आप लोगों को दिखा दें। तो मेरे ब्लॉग को लाइक सपोर्ट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यार दुलार देना ना भूलें। तो राम राम प्रणाम। तो आप सभी लोग पहचानते ही होंगे और सोचेंगे कि अब ये नीम के पत्ती का क्या करेंगे। अभी तक तो खाना दिखाती थी, घूमना दिखाती थी, और भी चीज़ें दिखाती थी, गेस्ट हाउस दिखाई, ये सब करी, तो ये अचानक से कौन सा इनको दौरा पड़ गया कि ये दिखा रही हैं। तो ये नीम की पत्ती है, तोड़ के लाए थे, तीन पानी हमने इसको खूब अच्छे से मल मल के धुल लिया है, खूब साफ़ कर लिया। देखिए साफ हो गया ना, धूल मिट्टी सभी एकदम गायब हैं, तो एकदम फ्रेश एकदम हो गया है। अब इसको क्या काम करना है, ये बहुत काम की चीज़ है, चूँकि आजकल सभी आम बहुत खा रहे हैं और बच्चे भी आम उम खाते हैं, तो फोड़े फुंसी निकलते हैं, तो बच्चे नीम की पत्ती तो खाते नहीं और ना तो पीस के पीते हैं। तो उसका एक रास्ता हमने निकाला है, हालांकि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, पर ठीक है, एंटीबायोटिक रहता है, इसको खाते रहना चाहिए कभी कभी, बीच बीच में बारिश के सीजन में तो ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि एंटीबायोटिक आखिर टैबलेट लेके लोग खाते हैं, इसको अगर थोड़ा खा लें तो पैसे भी बचे और फालतू चीज़ ना जाए, नेचुरल चीज़ जाए, आयुर्वेदिक चीज़ जाए। नीम के इतने सारे गुण हैं कि कुछ पूछिए मत। तो इस नीम के पत्ती को हमने धुल के रख लिया है अच्छे से, पानी इसका काफ़ी हद तक सूख गया है। और इसके बाद इसको क्या काम करना है कि मुझे मिक्सर में डाल लेना है अच्छे से, मिक्सर में डाल के फिर इसको खूब पीस लेना है और सभी को लगभग पीस लेना है, जितना ये नीम की पत्तियाँ हैं बारी बारी करके सबको पीस लेंगे। पीसने के बाद फिर बताते हैं कि इनका हम क्या करने वाले हैं और क्या होगा, इनका किस काम में आएगा, ठीक है, फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो भाइयों एवं बहनों, तो दोस्तों हमने इसको पीस लिया है अच्छे से, देखिए पीस के पेस्ट एकदम से बना लिया है। अब इसका क्या करना है अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इस जगह नहीं बताएंगे, कहीं और लेके चलेंगे बताएंगे, जहाँ इसका कुछ काम निकल सके, यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ रखने की जगह नहीं है। तो चलिए फिर दिखाते हैं कैसे क्या करना है इनका। तो फिर चलिए फिर दिखाते हैं। अब इसको पीसने की वजह से मेरा मुंह भी तीता तीता जैसे फील आ रहा है कि मुंह में चला गया हो, और पूरा एकदम से हाथ में तो लगे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका करना क्या है। नीचे बिछाएंगे पेपर अच्छे से, पेपर बिछा करके फिर इसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। मुझे ऐसे ऐसे छोटी छोटी सभी गोलियाँ एकदम से बना लेंगे और यहीं पेपर पर डालते जाएँगे, जिससे कि ये पंखे के हवा में सूख जाए। बाहर धूप में नहीं सुखाएंगे, क्योंकि अगर धूप में सुखा देंगे तो दिक्कत ये आएगी कि नीम का तत्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर धूप में चला जाएगा ना, तो जो नीम का सूखा हुआ जो अर्क आना चाहिए इसमें, कड़वापन, वो नहीं आ पाएगा। इसको एक गोली सेवन करना है। कैसे सेवन करना है पहले बन जाने दीजिए, फिर हम बताते हैं किस टाइम सेवन करना है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं। पहले पूरी गोली बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए अभी थोड़ा गोली देखने में बड़ी लग रही है, पर जब ये हवा लग जाएगी तो गोली जस्ट आधी हो जाएगी सूख के, क्योंकि अभी इसका नीम का पानी भी है, जो इसमें जूस होता है वो भी है, तो जूस हम चाहते तो निचोड़ सकते थे, निचोड़ देते तो गोली ना बन पाती, फिर रूखा रूखा हो जाता, इसलिए हमने निचोड़ा नहीं। और दूसरी बात, इसका रस भी इसी में धीरे धीरे करके सूखेगा तो गोली और भी फायदेमंद हो जाएगी। ये इतनी फ़ायदेमंद गोली है कि मैं बहुत पहले ट्राई कर चुकी हूँ, रिजल्ट अच्छा रहा है, इस वजह से बन जाए। फिर हम इनके और सारे रिजल्ट आप लोगों को बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं एक एक फ़ायदा आपको बताऊँगी, पहले बन जाने दीजिए। तो देखिए हमारा बन रहा है पूरा। हाँ ये है कि मेहनत बहुत लगी, अभी आधा भी नहीं बना पाए हैं, मेहनत बहुत लगी, बस केवल ऐसे 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 घुमाना है और बनाना है, तो मेहनत बहुत लगेगी, तो थोड़ा इंतज़ार करें फिर आगे हम बताते हैं। तो दोस्तों मेरा पूरा एकदम गोली बन गई है, अब इनको सुखाना है इसे हवा में, पंखे के, धूप नहीं लगानी है,
अब सूख जाता है, फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसका सेवन कैसे कैसे हमें किस किन किन कार्यों में करना है और कहाँ कहाँ इनका क्या क्या फ़ायदा है। दोस्तों मेरे नीम का सूख के एकदम से देखिए गोली एकदम ठना ठन कर रही है, बिल्कुल से सूख गई है। अब इसको सुबह क्या काम करेंगे कि एक गोली उठाया, जो नीम की पत्ती नहीं खा पाते, एक गोली उठाया, गले में डाला खाली पेट, एक गिलास पानी पी लिया गुनगुना। और ऐसा जब करते रहेंगे तो ठीक एक हफ्ते बाद ही आपको रिजल्ट आएगा। जैसे आजकल आम खूब सब खाए हैं, फोड़े फुंसियाँ खूब हुए रहते हैं, मुहासे हुए रहते हैं, ब्लड साफ नहीं रहता है, तो उस सब में इतना फ़ायदा करता है ये। चूँकि कच्ची पत्तियाँ नहीं जो खा सकते, जो घोल पीस के नहीं पी सकते, उनके लिए सबसे बेस्ट है। इससे क्या रहेगा कि आपके खून खूब साफ़ होगा, स्किन एकदम साफ़ हो जाएगी, चमकदार बनने लगती है। तो ये नीम की पत्ती की मेरी गोली सूख के एकदम तैयार है। अब इसको हम क्या काम करेंगे कि एक डिब्बे में भर के रख लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो एक गोली डेली खाने के काम आएगी, तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरे वीडियो में यूँ ही बने रहें, देखते रहें, लाइक कमेंट करना ना भूलें और बच्चों को ज़रूर एक गोली खिलाएं, क्योंकि बच्चे बाहर आते हैं जाते हैं, तमाम लोगों के संगत में मिलते जुलते हैं, उससे क्या रहेगा किसी प्रकार का इन्फेक्शन उनके अंदर नहीं आएगा, तो ये चूँकि कड़वा नहीं लगेगा, सीधे पेट में जाके घुल जाएगा, तो ये बच्चों को ज़रूर दें, ठीक है। तो धन्यवाद प्रणाम आप सभी को, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को, आप मेरा इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।